अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताओ कि लैंडस्केप होता क्या है, व्हाट इज अ लैंडस्केप? जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बच्चे, लैंडस्केप वो होता है जो एग्रीकल्चर का जो भी मंदिर हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं उसे लैंडस्केप कहते हैं। ठीक हो गया, जो भी आपको ब्यूटीफुल सीनरी आपको नजर आ रही होती है वो होता है लैंडस्केप। ठीक है सर। और लैंडस्केप, लैंडस्केपिंग किसे कहते हैं या लैंडस्केप डिजाइन किसे कहते हैं? जो आप सीनरी है उसको जो इम्प्रूव करते हैं आइदर थ्रू प्लांट्स आर थ्रू ऑर्नामेंटल ट्रीज श्रब्स फ्लावर्स आर सम जो है ना आप कोई भी ऑर्नामेंटल मटीरियल होते हैं लाइक गेज़ेबोज़ हो जाते हैं या पाथ्स हो जाते हैं या कोई भी आप उधर फाउंटेन लगा देते हैं, इस सारे को यूज करते हुए जो भी आप उस एरिया को इम्प्रूव करते हैं उसे कहते हैं लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो लैंडस्केपिंग के प्रिंसिपल्स क्या है लैंडस्केपिंग? अच्छा, इसके अंदर एक और टर्म आती है जिसे कहते हैं एस्थेटिक सेंस। अब ये एस्थेटिक सेंस क्या होती है? जी बच्चों, व्हाट इज खूबसूरती? खूबसूरती एस्थेटिक सेंस ये होता है कि किसी भी इंसान की एक खूबसूरत चीज को देखने का अंदाज। ठीक है, जब किसी भी चीज के अंदर खूबसूरती को देखने का अंदाज दैट इज नोन एज एस्थेटिक सेंस। ठीक है, फिर क्या एक बंदा ये है कि बजे जो हमारा बाहर का गार्डन है वो कहता है यार इसके अंदर ये जो कलर्स है ना इसमें पिंक होनी चाहिए, एक कहेगा यार मुझे इस तरह अच्छा लगता है कि यहाँ पर रेड कलर के फ्लावर्स हो। तो हर एक बंदे का जो अंदाज है किसी भी चीज को देखने का वो उसकी एक सेंस है और सेंस को क्या कहते हैं? एस्थेटिक सेंस। क्या कहते हैं इसको? एस्थेटिक सेंस। ठीक है, बीइंग अ हॉर्टिकल्चरर्स या बीइंग अ लैंडस्केप डिजाइनर हमने क्या करना है कि किसी भी जो हमारा क्लाइंट है उसके मुताबिक हमने लैंडस्केपिंग को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी एस्थेटिक सेंस का पता होना चाहिए कि हमें किसी भी जो हमारा क्लाइंट है हमें पता होना चाहिए कि वो किसी चीज को देखने का उनकी जो फैमिली है वो किस तरह का डिजाइन चाहती है या उनकी एस्थेटिक सेंस क्या है। इट मींस आपको एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए क्योंकि साइकोलॉजिस्ट एक समझ सकता है कि एक बंदा है उसकी साइकी क्या है, उसको किस तरह के प्लांट्स पसंद है, उसको ये आपने जब आप उसका इंटरव्यू करते हो तब आपको दादा होता है कि जो आपका क्लाइंट है वो आपको किस तरह का वो डिजाइन जा रहा है। ठीक है, यहां तक कुछ समझ आई बच्चों? यस सर। जी ओके गुड। अच्छा, अब लैंडस्केप डिजाइन क्या है? इट्स वेल नोन दैट अब कोई भी चीज है लाइफ स्टाइल है विद मॉडर्न फिजिकल एक्टिविटीज लिंक विद द लॉन्गर लाइफ एंड गार्डनिंग भी जा रहा है, जितनी भी ज्यादा खूबसूरती होगी जितने भी अच्छे प्लांट्स होंगे वो दैट अ लिंक विद योर जो स्टाइल है जो डिजाइन है उसके साथ आपका ये लिंक करता है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं लैंडस्केपिंग के अंदर जो हमारे मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये है कि हमने पूरे का पूरे जो लैंडस्केपिंग के प्रोसेस को हम सबसे पहला काम क्या होता है कि हम वहां पर एरिया विजिट करते हैं और एरिया विजिट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमें पहले तो वो जो उसका ना हम साइट एनालिसिस करते हैं। अब साइट एनालिसिस क्या है? साइट एनालिसिस ये होता है कि आपने वहां पर जो ऑलरेडी चीज है वो हमने चेक करनी है कि ऑलरेडी वहां पर क्या क्या चीजें हैं। फर्ज किया कौन सा ऐसा ट्री है, कोई ऐसा ट्री तो नहीं है जो 200 साल पुराना है। ठीक है, वहां पर ऑलरेडी उसका जो सॉइल का एनालिसिस करेंगे, उसके एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करेंगे, उसका माइक्रो क्लाइमेट का एनालिसिस करेंगे और एग्जैक्ट वहां पर जो फीचर्स है
वो उसकी साइट भी उसके अंदर वो स्लोप्स है या वो बिल्कुल प्लेन एरिया है। अब वहां पर बिल्डिंग्स ऑलरेडी कहाँ कहाँ बनी हुई है, फर्ज किया आपने एक शालामार गार्डन का आपने एनालिसिस करना है और फिर आपने उसको इम्प्रूव करना है, तो आप उसके पहले एक साइट एनालिसिस जो ऑलरेडी वहां पर जो जो चीजें हैं और किस किस फासले के ऊपर है वो सारा बकायदा हम उसकी मेजरमेंट लेके हम उसका साइट का एनालिसिस करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जब साइट का एनालिसिस कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, उस क्लाइंट का इंटरव्यू करेंगे, उसकी एस्थेटिक सेंस मालूम करने की के बारे में सोचेंगे। फिर हम उस जो जो अवेलेबल स्पेस है उसको के मुताबिक हम एक डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, अब डिजाइन बनाने से पहले आपको प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए कि लैंडस्केप डिजाइन जो डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या है उसका आपको पता होना चाहिए। फिर हमने उस डिजाइन को एक पेपर के ऊपर प्रिंट करेंगे या हम उसको एक सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास, हम चार्ट्स के ऊपर भी उस डिजाइन को वो हम एक डिजाइन बना सकते हैं। उसके लिए हमें ये सारी कहानी से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइट एनालिसिस क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या है लैंडस्केप डिजाइन के, और फिर हमें कौन से सॉफ्टवेयर है जो यूज होते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। फिर हमने जब हमारे पास पूरा एक डिजाइन तैयार हो जाता है तो फिर हमने उसको इंस्टॉल कैसे करना है, हमें प्लांट्स कहाँ से खरीदने पड़ेंगे, उनकी प्राइस क्या है, कौन से प्लांट कहाँ ग्रो करने हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा अभी हमारे पास हम सबसे पहले तो औजार हम सॉइल का एनालिसिस करेंगे तो हम उसकी पीएच देखेंगे, फिर उसकी न्यूट्रिशन लेवल देखेंगे, अगर तो उसकी पीएच बहुत ज्यादा है तो हम उसके अंदर जिप्सम डाल देंगे। ठीक है, अगर नॉर्मली जो हमारे लाहौर की शहर की सॉइल है उसकी पीएच जो है वो मोर देन अराउंड 8.8 to 9.2 है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हम इसके अंदर पूरी की पूरा एक ट्रक, अगर आप पर एकड़ वो एक ट्राली या पूरा ट्रक हम उसके अंदर, अगर तो हमें लगता है कि इसकी जो पीएच है वो मोर देन 9 है तो हम उसको लो करेंगे, अराउंड 7 के पास लेकर आएंगे। सो दैट क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है, ऐसी जगह है, ऐसी पीएच है जहां पर तमाम के तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल फॉर्म में होंगे और हर तरह का प्लांट्स आप वहां ग्रो कर सकेंगे। और ये ठीक है, अब ये साइट एनालिसिस जो सबसे पहला है क्या, साइट एनालिसिस के अंदर हम ये देखें, ये यहाँ पर हाउस है, ये हमने ऑलरेडी पता किया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज है वहां पर, ये जो वाटर लाइन है, यहाँ पर इस सन किस तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, ये हम सारी जो ऑलरेडी जो वहां पर ना चीजें हैं, फर्ज के यहाँ पर गैराज है, यहाँ पर हाउस है, यहाँ पर ठंड है जो समर ब्रीज कहाँ से आ रही है, वाटर लाइन कहाँ है, ऑलरेडी वहां पर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, और उसको हम बकायदा उसको हम एक बेस लाइन उसकी तैयार करेंगे साइट एनालिसिस की। ठीक है, विद द बेस प्लान, इसको बेस प्लान भी कहते हैं। ठीक है, अ स्केच ऑफ द हाउस, एग्जिस्टिंग फीचर्स, प्रॉपर्टी, प्लांट्स जो ऑलरेडी वहां पर हैं, फिर डायमेंशन उसके आपने एक पूरे मेजर करने हैं कि कौन सी एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस क्या है, हाउस से प्लांट्स का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और ये सारी कहानी हम वहां पर पानी का सोर्स क्या है, पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, अगर हमारे पास पानी का सोर्स नहीं है तो वो पानी बाद में हम कैसे लेकर आएंगे, वो सारी की सारी हम यहाँ पर एक वो एक बेस प्लान बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक आजार है, हम चार्ट के ऊपर इतना बड़ा प्लान, तो हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर है उसको फर्ज किया जाए, कोई भी एक उसको स्केलिंग कर देंगे, फर्ज किया एक मीटर को हम एक सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर का फासला है तो हम उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर कंसीडर कर लेंगे, जैसे आपको पता है कि स्केलिंग करते कैसे हैं। फिर उसके मुताबिक ये साइट का एनालिसिस हमारे पास हो गया, फिर हम क्लाइंट का इंटरव्यू करेंगे, क्लाइंट का इंटरव्यू करने के बाद उसके स्टैटिक सेंस को देखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम जो यूज हुई है स्पेस उसके मुताबिक हम एक फ्यूचर में हम जो क्लाइंट का इंटरव्यू करने के बाद फिर हम एक वर्केबल वो चीजें हम डिजाइन करेंगे। ठीक
ठीक है। तो ये सारा काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वो जो है ना जो प्रिंसिपल्स है लैंडस्केप डिजाइन के, वो आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम इस सारे प्रोसेस की तरफ आ सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? आपका जो डिजाइन है ना, उसके अंदर सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो बैलेंस भी, आपका जो डिजाइन है वो उसके वो बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके बिल्डिंग के एक तरफ कोई प्लांट है सेम उसी तरह का उसी साइज का बिल्डिंग के दूसरी तरफ प्लांट होना चाहिए। जिस तरह आप फिर बैलेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो इसके में भी वी हैव हियर इन लैंडस्केप डिजाइन द आइडिया इज टू बैलेंस द विजुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लैंडस्केप। वो सिमिट्रिकल भी हो सकता है, वो एसिमिट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। जो फॉर्मल लैंडस्केप है वो नॉर्मली जितने भी मुस्लिम लैंडस्केप्स हैं ना, मुस्लिम आर्ट्स हैं, दे वो नॉर्मली उसके अंदर फॉर्मल लैंडस्केप होती है, जो उसको फॉर्मल बैलेंस कहते हैं, जिसके अंदर जो जो भी प्लांट्स है वो रिपीट हो रहा है एक खास डिस्टेंस के बाद, और दूसरा कि दोनों तरफ आप सेम तरह की प्लांटेशन करते हैं। अगर आप एक रोड बना रहे हैं, रोड के एक तरफ और दूसरी तरफ सेम तरह की प्लांटेशन करें, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल लैंडस्केप। इनफॉर्मल के अंदर यह होता है कि नॉर्मली हम बैलेंस करते हैं दोनों बिल्डिंग के दोनों तरफ, लेकिन हम एग्जैक्ट उसका मिरर इमेज नहीं होता प्लांट्स का, ठीक है। उसके अंदर प्लांट्स के अंदर आप डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स लगा सकते हैं, एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं होता, ठीक है। अब दोबारा से मैं बैलेंस इन लैंडस्केप डिजाइन द आइडिया इज टू बैलेंस द विजुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लैंडस्केप। बैलेंस कैन बी सिमेट्रिकल, वन साइड ऑफ एन एरिया लुक लाइक एन अदर, भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर इमेज हो एक दूसरे का, उसे कहते हैं फॉर्मल लैंडस्केप। जो इनफॉर्मल लैंडस्केप है उसके अंदर एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है, वो अचीव कर सकते हैं विद द मास प्लांटेशन ऑफ श्रब और ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ द हाउस, और सिमिलरली अदर साइड्स ऑफ द जो हाउस है उसके अंदर भी हम ट्रीज लगा सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक बैलेंस इज डायनामिक एंड टेंड टू बी सब्जेक्ट सजेस्ट मूवमेंट, ठीक है। अब ये देखिए, ये फॉर्मल लैंडस्केप है जिसके अंदर हम दोनों तरफ ये सेम तरह की हमने प्लांटेशन की हुई है, लेकिन ये वाला जो प्लांट्स है ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, लेकिन जहां पर लग रहा है ये बैलेंस है, लेकिन दिस इज इनफॉर्मल बैलेंस। जो फॉर्मल बैलेंस होता है उसके अंदर दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ, अच्छा, और जो हमारे लाहौर शहर के अंदर जो शालीमार बाग है वो फॉर्मल लैंडस्केप है, जितने भी मुगल आर्ट्स हैं ये सारे के सारे जो क्या है वो फॉर्मल लैंडस्केप है, फॉर्मल बैलेंसेज है। अच्छा, लेकिन जो जापानीज आर्ट है पाकिस्तान लाहौर के अंदर भी, ये जो रेस कोर्स पार्क है ये जापानीज आर्ट के ऊपर बनाया गया है, और ये इनफॉर्मल बैलेंस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाट इज फॉर्मल बैलेंस एंड व्हाट इज इनफॉर्मल बैलेंस। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है कि वो जो आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर रिदम होना चाहिए। रिदम किसे कहते हैं कि आप अपने ढोल बजा बजा बजते हैं कि हर एक थोड़ी एक 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 सेकंड के बाद जो है ना वो ढोल बज रहा होता है, ठीक है। तो आपने भी इसके अंदर भी बैलेंस रखना है। बैलेंस कैसे रखना है कि हर पर के ये देखिए, आप यहां पर ये जो प्लांट है ये दूसरे प्लांट से उसका डिस्टेंस और ये इनका आपस में डिस्टेंस मैटर कर रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस के बाद वो प्लांट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसे कहते हैं रिदम। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है रिदम, ठीक है। और तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है फोकलाइजेशन। जो हमारा है भी आपका वो जो है ना, फर्ज के आपने कोई डिजाइन बनाना है उसका एक खास फोकस होना चाहिए। फोकस का मतलब ये है कि फर्ज की आपने वो जो लैंडस्केप गार्डन बनाना है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, फर्ज की आपने वो वहां पर ओल्ड होम लोगों के लिए बनाना है डिजाइन, या आपने उसको बिल्कुल जो आपके, सर वो एक मिनट यार मैं
अच्छा, जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है सिंपलिसिटी। जित आपका बैलेंस जो है ना, जो डिजाइन वो बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक सीक्वेंस वो जो रिदम है या सीक्वेंस होनी चाहिए, और उसके अंदर वैरायटी भी होनी चाहिए, और स्केल एंड प्रोपोर्शन ये होना चाहिए कि अगर आपकी बिल्डिंग का साइज बड़ा है तो प्लांट छोटा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली उसी बिल्डर के मुताबिक आपने जो प्रोपोर्शन भी होनी चाहिए उसके अंदर। ये जो दूसरी तरफ बताए गए हैं फॉर्म टेक्सचर लाइन, ये है इसके एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे, फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिजाइन है वो बैलेंस होना चाहिए, उसके अंदर रिदम होनी चाहिए, उसके अंदर यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब यह है कि जितने भी आप प्रिंसिपल्स हैं इसके वो सारे मिक्स करेंगे तो उसको एक यूनिट नजर होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत ज्यादा सिंपलिसिटी होनी चाहिए आपके डिजाइन के अंदर, ताकि जो भी लोग वहां पर जाए, पार्क पे जाए या आपका वो, तो वहां पर वो रिलैक्स फील करे। ये ना हो कि आप एक कम्प्लेक्स किस्म का लैंडस्केप डिजाइन बना दे तो वैसे ही लोग ना वहां पर वो डिस्टर्ब नजर आए, ठीक है। उसके बाद एक प्रोपोर्शन होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ये सारी है। बाकी जो नेक्स्ट पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। सदफ आप ना इसका वो स्टेटस लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी सर, कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर, ये स्लाइड शेयर कर देगी? ये भी शेयर कर देता हूँ मैं, ये जो वीडियो बनाई है ये भी शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।